नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आप देख रहे हैं रेगाफ्लिक इन्फो। सिंपली इस वीडियो में बात करेंगे कि जो कल डंप हुआ है बिटकॉइन में, इतना तगड़ा डंप हुआ है, उसमें क्या आपको लॉस हुआ है और हुआ है तो कितना हुआ है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और क्या आप फ्यूचर ट्रेड करते हो, फ्यूचर ट्रेड में कितना आप लेवरेज लेते हो, मुझे वो भी बताना। और क्या आपने इस डिप में कुछ बाई किया है, आप वो बताना। मैंने कितना बाई किया है, कौन कौन से कॉइन बाई किया, मैं कितने बेनिफिट में हूँ, कितने लॉस में हूँ, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो का मकसद इतना है कि आप लोगों को मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से और आपको चीज़ें समझ में आए। प्लीज़, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगेन और एक और डिस्क्लेमर देता हूँ, आप अपनी मम्मी से, पापा से, फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेशन वालों से, किसी से भी पैसा लेके क्रिप्टो में अठन्नी भी ना डालें। आप अगर 10,000 रुपये कमाते हैं तो सिर्फ 1,000 रुपये, 500 रुपये सिंपली आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और वो 500 रुपये भी ऐसा जो कि जीरो हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज़, ऐसे लोग, मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़ रहा था, कल मुझे पर्सनल में मैसेज कर रहे थे कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा कोचिंग का फीस था, मैंने फ्यूचर में डाल दिया, मैंने 10x लिया, 20x लिया। बल्कि मेरे बाइनेंस फ्यूचर पे जितने भी वीडियो मैं हमेशा बोलता हूँ, 3x 5x मैक्सिमम है। और मैंने इसीलिए ना इसको बहुत डीप में समझा भी रखा है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कितना आपको बेनिफिट हो सकता है, कितना लॉस होता हो सकता है। काफ़ी लोग तो भाई एक्स्ट्रा ही माइंड लगाते हैं, आई डोंट नो क्यों। आप जितना फ्यूचर में पैसा डालते हो, ठीक है, फ्यूचर में किसी भी एक्सचेंज पे करो, अगर आपके पास $100 पड़ा है ना, तो मार्जिन में $5 से $8 लो सिर्फ। जितना फंड फ्यूचर में है ना, जितना भी फंड है, उसका 5 से 6% यूज करते हैं जो भी जीनियस लोग होते हैं वो। और जिनका पास बहुत बड़ा फंड है भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने फंड का लगभग 20% यूज करते हैं। और अगर आपका पास में, मान लीजिए टोटल फंड की बात कर रहा हूँ, आपका जो टोटल फंड है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो $1,000 है, तो $500 से फ्यूचर ट्रेड नहीं करते, वो महामूर्ख लोग होते हैं। सॉरी अगर आप में से किसी को बुरा लग रहा है तो, लेकिन कल मुझे कमेंट देखने के बाद बहुत सारे लोगों का ऐसे दुख हो रहा था कि भाई हम लिक्विडेट हो गए। यार, अपनी खून पैसे की मतलब इतनी मेहनत का जो पैसा है वो हम व्हील्स के हाथों में दे रहे हैं, हम खटपुतली बन जा रहे हैं, क्योंकि आप पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब यार कमाने लिए आए हो, देने के लिए नहीं आए हो। प्लीज़ कमाने की सोचो, देने की मत सोचो। ये जो व्हेल्स है ना, व्हेल्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में फंड होता है। आप ये समझ लो कि वो मार्केट को इजी 10 से 15% सिंपली डंप और पंप करवा सकते हैं, उनके पास इतना पावर होता है, आप ये समझ सकते हैं। सो, देखो, आप उनके इशारों से नाचना चाहते हैं या खुद अपना जो माइंड है उसको यूज करके कमाना चाहते हैं, तो आप खुद डिसाइड कीजिए। मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, टॉपिक बाई टॉपिक बात करूँगा, इस डिप का कैसे फ़ायदा उठाएं, या अगर ऐसी डिप हो जाए तो उससे कैसे बचें और कैसे फ़ायदा लें। पॉइंट नंबर 1, डिप जो भी होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, किसी को नहीं पता होता है, सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इसका सपोर्ट हो सकता है, यहाँ तक ये करेक्शन ले सकता है। लेकिन जो ऐसा होता है ये सब मिलीभगत होती है, व्हेल्स की, एक्सचेंज की, सबका कमीशन होता है, ठीक है, ये सब जानबूझ के किया जाता है कि जो 100x ये लोग लेते हैं फ्यूचर ट्रेड में, उनको अच्छा खासा एक सदमा दिया जाए ताकि वो कुछ सीख पाए। और जो डिप हुई है ना, इससे आपको सीखने के लिए मिलेगा, ट्रस्ट मी गाइस, मैंने भी बहुत फंड गवाया है ऐसे फ्यूचर ट्रेडिंग में। लेकिन जब तक बंदा खुद, मैं पहले आज आपको कितना समझा लूँ आपको नहीं समझ आने वाला, लेकिन जब तक आपके पैर पे कुल्हाड़ी नहीं लगेगी ना, तब तक आप नहीं समझने वाले हो। हिंदी भाषा में देखो, मैं आपको समझाता हूँ, जब आपके खुद लगेगी ना, तब आपको एक्चुअल में रियलाइज होगा कि यार हाँ, ये मैं गलती कर रहा था। ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें है ना वो क्लियर हो जाएंगी। $100 फंड है आपका, तो लगभग इसमें आपको जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसको तो देखना ही नहीं है, उसको बोल दो टाटा बाय बाय। अगर आपका $500 का फंड है, उसमें से आप मात्र $50 से $100 निकाल सकते हैं। ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, सिर्फ व्यू है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। ये कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह और मेरा $500 का पोर्टफोलियो, तो मैक्सिमम मैं $100 सिर्फ उससे निकालूंगा, $400 से स्पॉट ट्रेडिंग करूंगा। लेकिन बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, $100 में ले गया फ्यूचर में, 500 में से बच गए मेरे $400, ठीक है। मैं एक बार ये नोट पैड, आई थिंक मेरा ओपन होगा, आई हाँ ओपन है ये, सो बच गए मेरे पास यहाँ पे 400, ठीक है, $400 मेरे पास बच गए। अब इसमें से मैं लगभग, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग मैं $50 से लेके 80 डॉलर निकाल लूंगा, या फिर आप इसको
$100 भी मान सकते हैं। सो 400 में से चलो मान लेते हैं कि $100 आपने एक साइड रख लिया, तो $300 आपके पास बच गए। अब ये $300 से मैं जो मर्जी चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन लगभग ये जो $300 है, कम से भी कम मैं 5 कॉइन में इन्वेस्टमेंट करूँगा, जो भी अच्छे अच्छे कॉइन होंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कौन से जो अच्छे कॉइन हैं, मेरे कहने का मतलब पहला तो बिटकॉइन ही हो गया ऑफकोर्स, उसके बाद में इथेरियम हो गया। अगर आप बिटकॉइन नहीं खरीदना चाहते हैं तो इथेरियम में डाल सकते हैं, ADA में डाल सकते हैं, सोल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सोल में डाल सकते हैं, मैटिक भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और जो FTX एक्सचेंज है सिंपली, इसका इसकी मेरी बहुत लोएस्ट बाइंग है और इसने मुझे बहुत बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, मतलब नेक्स्ट लेवल। ये जो पंप हुआ है, मैसिव पंप हुआ है, मैं ये बोल सकता हूँ इसको, जिसने भी अपने पोर्टफोलियो में रखा होगा वो बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट कमाया होगा, जिस तरीके से जो मैटिक बढ़ा है सिंपली, मैटिक ने लोगों को कितना रिटर्न दिया अच्छा खासा। सो बैक टू पॉइंट, आप इथेरियम ले सकते हैं, ADA 2 हो गया, उसके बाद में आप मैटिक ले सकते हैं 3 हो गया, STT भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको जो अच्छा लगे। SFP सेफपाल का जो सिंपली वॉलेट है, हार्डवेयर वॉलेट सॉफ्टवेयर वॉलेट, काफ़ी डम पड़ा है ये, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप उसको प्रॉपर तरीके से, जैसे कि मैंने बताया, ये जो $100 है ठीक है, ये आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये $300 से आपको जो मर्जी हो 5 कॉइन आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। अब ये $100 का आपका उपयोग क्या है और कब आपको ये उपयोग करना है उसकी बात करते हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं मेरा इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे आप देख लीजिए आपके सामने, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा, ईमेल आईडी तो ऑफकोर्स मैं छुपाऊंगा ही, आप चाहें तो smartview.ai का भी यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेटर फ्री है, कोई पैसे नहीं देने होते हैं, मैं इसका भी यूज करता हूँ और जो कोइन मार्केट कैप है सिंपली उसका भी करता हूँ। तो सबसे पहले तो चलो मैं ये दिखा देता हूँ आपको, मेरा डिप बाइंग का मैंने ऑलरेडी बना लिया है, मैंने मैटिक परचेज किया है, अभी करंट प्राइस देख सकते हैं और मेरा एवरेज प्राइस जो मैंने बाई किया वो ये है, लगभग $157 के प्रॉफिट में हूँ। बिटकॉइन मैंने थोड़ा सा परचेज किया, $10 के समथिंग में इसमें भी प्रॉफिट में हूँ। उसके बाद में मैंने जो FTX का टोकन है सिंपली वो परचेज किया था, तो यहाँ पे मैं लगभग मान सकते हैं $46 के समथिंग प्रॉफिट में हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली माइनस में हूँ लगभग $11। चलो अगर हम इसको एवरेज जोड़ते हैं, थोड़ा सा एवरेज जोड़ लेते हैं हम, तो लगभग मैं यहाँ पे 210 के समथिंग प्रॉफिट में हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं कितना माइनस में हूँ, ये मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, मैं इसमें थोड़ा 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 पॉइंट करता रहता हूँ। मैं अपनी इनकम का 50-30-20 का मतलब ये है कि मैं जितना भी कमाता हूँ एक मंथ में, चाहे मेरी वो कहीं से भी अर्निंग हो, चाहे ऑफलाइन अर्निंग हो, एफिलिएट अर्निंग हो, एक्सचेंज अर्निंग हो, कुछ भी, उसमें से मैं 50% जितना भी कमाया, मान लो मैंने 20,000 कमाया, तो 10,000 में इसमें सीधा इन्वेस्ट करता हूँ। ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि उस टाइम बिटकॉइन का प्राइस कितना है, मैं वो नहीं देखता, उसमें से आधा मैं उसी टाइम एट ए टाइम इन्वेस्ट कर देता हूँ, चाहे प्राइस कुछ भी, और आधा मैं रखता हूँ और देखता हूँ जैसे जैसे उस महीने में डिप आती रहती है मैं वो इन्वेस्ट करता रहता हूँ। सो इस हिसाब से ये मेरा है। सो यहाँ पे लगभग मैंने इतना इन्वेस्ट किया है $775 के समथिंग, $150 मैं लॉस में हूँ। चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि मेरे लॉन्ग टर्म में मैं $150 मतलब लॉस में हूँ, और अगर मैं इधर आके मैं देखूँ तो मेरी जो डिप बाइंग हुई है, ठीक है, डिप बाइंग हुई है, मैं उसमें $210 में प्रॉफिट में हूँ। मैं चाहूँ तो ये मेरा लॉन्ग टर्म वाला है, इसको मैं निकाल सकता हूँ, मतलब मैं इसको होल्ड ना करूँ, मेरे हिसाब से मैं इसको अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकता हूँ, मतलब मैंने टोटल मेरा रिस्क जो मैनेजमेंट है वो किया हुआ है, और मैं अपने पास हमेशा अपने पोर्टफोलियो का लगभग 10-15% डॉलर रखता हूँ। अभी भी मेरे पास डॉलर पड़ा है, अगर मार्केट और करेक्शन लेता है डेफिनेटली मैं परचेज करूंगा। अगर आप भी सिंपली ऐसी डिप देखते हैं सो सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, आप अगर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं सिंपली तो आप डेफिनेटली कभी लॉस में रहेंगे ही नहीं। यहाँ पे आप टेलीग्राम में देखेंगे, यहाँ पे मैं ऑलरेडी दिया था कि मैटिक 1.1 में खरीद लो, जैसे खुद मैंने खरीदा था 1.1 से लेके 1.25 में खरीद लो, मैंने जैसे कि आपको मेरा दिखाया, जस्ट मैं यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो आपको दिखाऊं। सो मेरा मैटिक यहाँ पे ये रहा, मैटिक आप देखेंगे कि मैंने जो खरीदा है वो खरीदा है 1.20 में, क्योंकि गिर गया था सो मैंने खरीद लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वापस से आपको दिखाता हूँ, मैं 1.1 से लेकर 2.5 तक बोला था, ठीक है, अगर आपने खरीदा है आप प्रॉफिट में हो। BNB 400 तक मैं बोला था, 400 के अंडर खरीद लो। अगर मैं BNB को फिलहाल देखूं, सो BNB का फिलहाल प्राइस 403 चल रहा है, तब भी आप प्रॉफिट में हो, लॉस में नहीं हो, ठीक है। अपना जो FTT है 55-60, अगर FTT को भी अगर आप फिलहाल देखोगे ना, सो मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, और इससे पहले तो बहुत अच्छे जो सिग्नल्स थे वो सारे ब्रेकआउट हो चुके हैं, प्रॉफिट लेके आप लोगों ने एग्जिट कर भी लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा।
FTT किधर गया, ये रहा FTT8। तो इसमें भी मतलब FTX का जो टोकन है सिंपली, इसमें भी आपको अच्छा खासा जो बेनिफिट है वो हुआ है। सो ये नहीं कह सकते कि आप सिंपली जो ये डिप है इसका फ़ायदा नहीं ले सकते, बस आपका जो माइंड सेट है वो अच्छा होना चाहिए, या फिर आप जो ये वेल्स हैं इनकी जो कठपुतली है वो बन के रह जाओ। आप खुद डिसाइड करो कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। वैसे मार्केट अभी लग रहा है कि रिकवर कर रहा है अच्छा खासा, बट मार्केट में जब ये लगता है ना कि मार्केट सिंपली रिकवर कर रहा है, तभी जो मार्केट है वो डंप होता है। सो ज़्यादा ना एक्सपेक्ट नहीं रखनी होती है कभी भी मार्केट से, मार्केट कभी भी आपको दिखा सकता है असली औकात। सो आप हमेशा अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो करें, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा रिस्क मैनेजमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और ये वीडियो आई डोंट नो कि कितना बड़ा हो गया। सो मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। कोई भी कमेंट है कमेंट करके बताओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी को एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।